हेलो एस्पायरेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी असिस्टेंट यूट्यूब चैनल पे। हमने ऑलरेडी टेस्ट टू टेस्ट थ्री को डिस्कस कर लिया है, डायरेक्ट अब टेस्ट नाइन पे आते हैं, इसलिए क्योंकि ये बिहार स्पेशल है और बिहार स्पेशल का वेटेज बीपीएससी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए डायरेक्ट अब बिहार स्पेशल पे आ गए हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो क्वेश्चन नंबर वन है उसमें पूछा गया है कि निम्न में से बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका सही जवाब है NHEW, नॉर्थ नेशनल हाईवे 27 ईस्ट वेस्ट, और ये गोपालगंज, पिपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया से होके गुजरती है। क्वेश्चन नंबर टू है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बिजली की खपत होती है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है पटना जिले में, और सेकेंड नंबर पे गया जिले में, और थर्ड नंबर पे है नालंदा जिला। क्वेश्चन नंबर थ्री में आते हैं कि बिहार का सबसे घना वन जिला कैमूर है। सबसे घना वन जिला कैमूर है, जहाँ का कुल वन क्षेत्रफल पूछा जा रहा है हमसे। तो यहाँ का कुल वन क्षेत्रफल है 1056 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे न्यूनतम कहाँ है? सबसे न्यूनतम है जहानाबाद, जहाँ का है 0 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं कि बिहार में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो बिहार में सबसे पहला चीनी मिल बेतिया में स्थापित किया गया था, बेतिया में, और यह स्थापित किया गया था 1840 में। क्वेश्चन नंबर फाइव, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2019-20 में कितनी रही थी। तो ये रही थी 332 किलोवाट आवर। तो क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई सितंबर 2020 तक कितनी है। तो इसका सही जवाब है 3700 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं, ग्रामीण स्तर पर बिहार में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी कितनी है। तो ग्रामीण स्तर पर बिहार में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी टोटल 3.9% है। बिहार शहरी है 6.4। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे, एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम वेंडर ऐप किसने पेश किया। तो एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम वेंडर ऐप को बिहार राज्य ने पेश किया है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे। तो ये सम्मेलन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1908 में हुआ था, 1908 में, और इसके अध्यक्ष थे अली इमाम। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अली इमाम थे प्रथम अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं, बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो बिहार में नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 16 अप्रैल 1930 को, और ये स्टार्ट हुआ था पटना शहर में मंगल टैंक के पास, नखास पिंड है वहां से। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, 25 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने किस जिले पे अधिकार कर लिया था। तो इसका सही जवाब है आजमगढ़ जिले पे अधिकार कर लिया था। बीबीगंज का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो बीबीगंज का युद्ध लड़ा गया था कुंवर सिंह और अंग्रेज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, बिहार में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में, बिहार में प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कितना प्रतिशत है। तो यह है 34.5%। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, बिहार में अभी तक कुल कितने जैविक कृषि जिले विकसित किए जा चुके हैं। तो बिहार में टोटल कितने जैविक कृषि जिले विकसित किया जा चुका है, यह है 13 जिला 13 डिस्ट्रिक्ट। बिहार में औसतन वर्षा रिकॉर्ड की गई है, कितना औसतन वर्षा रिकॉर्ड किया जाता है बिहार में, यह है 109, लगभग 110 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बिहार के GSDP में कृषि का योगदान कितना है। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार के GSDP में कृषि का योगदान 19.3% है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, चावल के सर्वाधिक उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है।
तो बिहार में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है रोहतास जिला। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, बिहार की किन फसलों को वर्ष 2020 में कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया? तो बिहार में दो फसलों को मिला था, मक्का को और गेहूं को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई, मक्का एंड गेहूं दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि वर्ष 1869 में अंजुमन तहजीब नामक एक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही जवाब है मुजफ्फरपुर में। तो वर्ष 1869 में अंजुमन तहजीब नाम की एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, एक बहुमुखी कवि बैजनाथ द्विवेदी का जन्म गया में हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा रचित है? तो इन्होंने टोटल 8 पुस्तकों की रचना की थी। इसमें वाम विलास भी है, चित्रभरण भी है, अनुभव उल्लास भी है और इसमें नकसिख भी है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं महामाया प्रसाद सिन्हा। मुंगेर जिले में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया? तो मुंगेर जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था श्री कृष्ण सिंह जी ने। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग और भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे जल्द ही, जो कि आपको बीपीएससी 67 के प्रीलिम्स एग्जाम में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, बिहार का सर्वाधिक घनत्व सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये है जमुई। ये पूछा जा रहा है सड़क घनत्व, मेंशन नहीं किया जा रहा है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, सारे को इसमें काउंट करना है 24 में। तो सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला की बात करें तो उसमें है सबसे ज़्यादा पटना, फिर मधुबनी, मुजफ्फरपुर। न्यूनतम राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला की बात करें तो वो है शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। क्वेश्चन नंबर 25, नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाले राम प्यारी देवी किसकी किनकी पत्नी थी, किसकी पत्नी थी? तो ये है राम प्यारी देवी जी जगत नारायण लाल की पत्नी थी। 26 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 2020-21 में 15वें वित्त आयोग ने बिहार को कितना हिस्सा आवंटित किया है? तो 15वें वित्त आयोग ने बिहार को 10.06% आवंटित किया है। सबसे ज़्यादा मिला है यूपी को, जो कि है 17.93%, और सेकेंड नंबर पे है बिहार को। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, बिहार से फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख सदस्य रामविलास सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार को किस वर्ष एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था 1936 में। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे बहादुर शाह द्वारा नायब या बिहार का उप प्रभारी नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है सैयद हुसैन अली खान को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था? पूछा जा रहा है पहली बार कब आक्रमण किया था चुनार दुर्ग पे, ये किया था हुमायूं ने 1532 में। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, बिहार में महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने सहयोग किया? तो चंपारण सत्याग्रह में जो सहयोग करने वाले थे उसमें उनमें थे ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और आचार्य कृपलानी जी, और भी वकील इनमें शामिल थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई। बिहार में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो बिहार में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन की प्रेरणा मिली थी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अगर इंग्लिश में बात करें तो ये हो जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। विस्तार और तेजी से प्रसार के संबंध में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में भारत के किस हिस्से पे बहुत प्रभाव पड़ा? तो बिहार इसमें सबसे आगे था। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाने को जलाया था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा जगलाल चौधरी जी ने।
बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाने को जलाने वाले थे जगलाल चौधरी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, बंगाल दैनिक हितवादी के संपादक कौन थे? तो बंगाल दैनिक हितवादी के संपादक रहे थे सखाराम गणेश देवेशकर। ये ध्यान रखिएगा, बंगाल दैनिक हितवादी संपादक यानी कि एडिटर इसके हैं, इसके थे सखाराम गणेश देवेशकर। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किस जिले के लोग अराजक व्यवहार में संलिप्त थे? तो इसका सही जवाब है गया, गया जिले के लोग। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, बिहार में लिबर्टी लीफलेट 1915 में बांटने में कौन अग्रणी था? तो 37 का आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी और अखिल चंद्र दासगुप्ता। नाम ध्यान रखिएगा, लिबर्टी लीफलेट 1915, दो नाम है यहाँ पे, बंकिम चंद्र चटर्जी और अखिल चंद्र दासगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को एक शाही आदेश फरमान दिया था जो कि संबंधित किससे था, कौन से जगह से? तो ये था आजमगढ़ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 39, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल की स्थापना बहुत जगह हुई थी, उसमें मुजफ्फरपुर वाले की पूछी जा रही है, तो ये है जनकधारी प्रसाद। तो मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना जनकधारी प्रसाद जी ने की थी। कृतिमाला और कृतिपत्का के रचयिता विद्यापति के संबंध में बिहार के किस क्षेत्र से था? कृतिमाला कृतिपत्क विद्यापति जी ने लिखा था और ये मिथिला क्षेत्र से संबंधित था। 41, तरुण भारत संघ संबंधित था किससे? तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे अब तक। तरुण भारत संघ मुजफ्फरपुर से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंग्लिश में बात करें तो इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसका शुरुआत हुआ था। 42 का आंसर है ए, 28 नवंबर 1940, ए हो जाएगा। अच्छा फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। बिहार पटना के प्रथम मजिस्ट्रेट कौन थे? ये क्वेश्चन नंबर 43 है। तो पटना के प्रथम मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांडे। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, चंपारण सत्याग्रह के परिणाम थे? तो इसका सही आंसर है ई। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ उसमें से कौन कौन है। तीनकठिया प्रणाली का अंत हुआ था, नील की खेती से स्वतंत्रता मिली थी और जांच आयोग की स्थापना भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, महात्मा गांधी ने 14 नवंबर 1917 को बिहार में पहला स्कूल स्थापित किया जिसका नाम था? तो 45 का आंसर है ए, बरहवा लखन सेल, 14 नवंबर 1917 को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान या उसके बाद है, महात्मा गांधी जी ने काफ़ी स्कूल की स्थापना की थी और काफ़ी बाहर के राज्य को भी बुलाया था ताकि यहाँ पे शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके। तो जो 14 नवंबर को स्थापना हुआ था वह था बरहवा लखन सेल। 46, माँ की पुकार नोटबुक पत्रिका किससे संबंधित थी? माँ की पुकार नोटबुक पत्रिका ये संबंधित थी मुजफ्फरपुर से। हुंकार किसके द्वारा प्रकाशित एक हिंदी साप्ताहिक था? तो हुंकार था पंडित यमुना कर जी और राहुल संकीर्तना संकीर्तयान। हुंकार किसके द्वारा प्रकाशित एक हिंदी साप्ताहिक था? तो यह है पंडित यमुना कर जी। एक मिनट मैं इसको सही कर दूं। हाँ ये रहा सही। अनुशीलन समिति क्या है? तो अनुशीलन समिति एक थी क्रांतिकारी संगठन, इंग्लिश में बात करें तो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। 49, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे? तो मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे मॉरिस गार्नियर हेलेट। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की? तो राम विनोद सिंह ने मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की। 1939 में आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं, 1939 में अंबारी छपरा में औद्योगिक सत्याग्रह किसने शुरू किया?
पूछा जा रहा है 1939 में अंबारी छपरा में औद्योगिक सत्याग्रह यानी कि इंडस्ट्रियल सत्याग्रह किसने शुरू किया था, तो ये थे यदुनंदन शर्मा। 52 में आते हैं, 1917 में गांधी जी की यात्रा के दौरान चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट कौन थे, तो ये रहे थे WV हेकाकी। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उस टाइम पे मजिस्ट्रेट चंपारण के मजिस्ट्रेट थे WV हेकाकी। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं, बिहार की चुनी हुई सरकार ने फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था, तो इस्तीफा देने का कारण क्या था, राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, पटना में नमक कानून के उल्लंघन के लिए कौन सा स्थान चुना गया था, तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ये है नखासपिंड। ये क्वेश्चन पहले ऊपर आ चुका है, नखासपिंड पटना में नमक कानून उल्लंघन के लिए चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, कौन सा पैम्फलेट या दैनिक समाचार पत्र अंग्रेजों का समर्थक था, 55, तो ये था टाइम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, द पटना टाइम्स के संपादक कौन थे, तो पटना टाइम्स के संपादक हैं मोहम्मद मोहम्मद यूनुस संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बिहार के प्रतिनिधि ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो इसका सही जवाब है 1887। 1885 में गठन हुआ था जिसमें टोटल 72 प्रतिनिधि थे, टोटल मेंबर्स थे उसमें, लेकिन बिहार से पहली बार प्रतिनिधियों ने 1887 में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा संबंधित थे, तो ये संबंधित थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से। क्वेश्चन नंबर 59, सर सैयद अहमद खां पटना कब आए थे, तो सर सैयद अहमद खां पटना आए थे 1883 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, पटना में बहावी की शक्ति की घेराबंदी कब की गई थी, जो बहावी मूवमेंट चल रहा था उसकी घेराबंदी 1870-71 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 61, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया, ये मनाया गया अप्रैल 1946 में जब इनकी जेल से रिहाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 62, कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष, इसका इसका सही जवाब है CR दास, जिन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में आजाद दस्ता के प्रभारी कौन थे, तो बिहार में आजाद दस्ता बिहार की पूछ रहा है, तो ये है सूरज नारायण सिंह। मैं इसको थोड़ा सा फिक्स कर लूं, हाँ ये रहा। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है और कौन सा सही है वो सब मैं बता, सही है वो मैं बता रहा हूँ। सही है कि सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए 6,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ये सही है। आवेदक की आयु होनी चाहिए 60 वर्ष 60 या उससे अधिक, तो ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, और पूछा क्या जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। उन्हें किसी भी प्रिंट मीडिया या चैनल में कम से कम 20 साल तक काम करना चाहिए था, मतलब 20 साल का अनुभव होना जरूरी है। आवेदकों को बिहार का निवासी होना चाहिए, यानी कि जो बिहार के रेसिडेंट हैं उन्हीं को ही ये योजना का जो भी लाभ है उन्हें ही सिर्फ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ, तो पटना में स्थित गोलघर का निर्माण हुआ है 1786 ईस्वी में। बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के अधीन सौर पंप के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका 66 का सही जवाब होगा डी, 75% सब्सिडी दी जाती है और 25% किसानों के द्वारा जमा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, एकीकृत कुक्कुट विकास योजना के लिए प्रावधान है,
तो इसका आंसर है ई। कौन कौन सा सही है वो भी देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, समान श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 30% सब्सिडी मिलेगी और जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 50% सब्सिडी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 68, कृषि इनपुट सब्सिडी योजना संबंधित है। तो कृषि इनपुट योजना ये संबंधित है बाढ़ और सूखा प्रभावित फसलों के लिए। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार में काफी एक तरफ बाढ़ आता है और एक तरफ सूखा रहता है, तो इसलिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना लाई गई है। से क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। तो सही है, पहले उसको देख लेते हैं। 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं इसके पात्र हैं। माफ कीजिएगा, कौन सा सही है पूछ रहा है। तो इसमें सही है, योजनाओं का उद्देश्य एकल विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में गलती इसलिए है क्योंकि ये 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं इसकी पात्र हैं, तो 21 नहीं 18 वर्ष होगा। और इनकी मासिक आय होनी चाहिए 5,000 रुपये प्रति माह, यहाँ पर 3,000 लिखा हुआ है तो इसलिए सी भी गलत है। और इसमें जो राशि दी जाती है वो है 300 रुपये मासिक, 300 रुपये महीना, ना कि 500 रुपये। तो 69 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, बिहार पीड़ित मुआवजा योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं। बिहार पीड़ित मुआवजा योजना ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लाभार्थी हो सकते हैं एसिड अटैक पीड़ित और बलात्कार पीड़ित। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। तो 70 का आंसर हो जाएगा ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है, सी नहीं है। सही कौन सा है, जूट, जूट, कटिहार, सिंदूर, लखीसराय। जो कालीन है इसका हो जाएगा ओबरा, और फार्मास्यूटिकल के लिए नारायणपुर मुजफ्फरपुर ये फेमस है, तो सी वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा जिला कमला नहर परियोजना से लाभान्वित होगा। तो कौन सा जिला कमला नहर परियोजना से लाभान्वित होगा, ये होगा दरभंगा और दरभंगा और मधुबनी जिला कमला नहर परियोजना से लाभान्वित होगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, चक्रवर्ती देवी का संबंध किस कला से था। तो चक्रवर्ती देवी का संबंध मंजूषा पेंटिंग इससे है। क्वेश्चन नंबर 74, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है बीपीएससी में, ये है मुंगेर से संबंधित है। निम्नलिखित में से टाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। टाल मिट्टी पाई जाती है पटना में, गंगा के समीप। अच्छा, आप ये भी बता सकते हैं कि जो बिहार में एक वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ था कलरव, जिसे स्टार्ट जहाँ पे अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी प्रेजेंट थे, तो आप ये बताइए कि कहाँ हुआ था, बिहार के किस जिले में हुआ था, कौन से अभ्यारण्य में हुआ था। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉइस्ट डिडिशियस फॉरेस्ट, नम पर्णपाती वन। तो 76 का आंसर हो जाएगा ई। इसमें किशनगंज सही है, सोमेश्वर की पहाड़ी, ये दोनों जगह पे पाई जाती है, तो किशनगंज और पश्चिमी चंपारण, तो ई इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, आजादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो आजादी के बाद प्रथम राज्यपाल है जयराम दास दौलतराम। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा रेगुलर रहूँगा और भी ऐसे ऐसे वीडियोज परफेक्शन आईएएस वाले स्पेशल लाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। 79 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के ठीक बाद बिहार के संभागों में से था। तो 79 का आंसर है ए और डी, भागलपुर था और ये छोटा नागपुर, ये दोनों था। तो कौन कौन से थे, टोटल चार थे इसमें, तिरहुत था,
भागलपुर, पटना और छोटा नागपुर, जब बिहार झारखंड एक साथ था तो तिरहुत, भागलपुर, पटना और छोटा नागपुर, आप चारों नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार अधिनियम लाने वाला पहला राज्य कौन था? तो स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार अधिनियम लाने वाला पहला राज्य अपना बिहार था। निम्नलिखित में से किसने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्री कृष्ण सिंह जी ने की थी, और यह स्थापना की गई थी 1906 में। श्री कृष्ण सिंह, और इनमें इसमें एक और नाम भी आता है, श्री तेजेश्वर प्रसाद, बट ऑप्शन में नहीं है तो सिर्फ हम ऑप्शन एक पर ही टिक लगाएंगे, श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद दोनों। 82 पे आते हैं, मुंगेर जिला में बकाश्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 82 का आंसर है कार्यानंद शर्मा। मुंगेर जिले में बकाश्त आंदोलन का नेतृत्व, लीडरशिप कार्यानंद शर्मा जी के हाथ में था। क्वेश्चन नंबर 83, 1930 में नंगी हड़ताल किस स्थान पे कैदियों के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी नंगी हड़ताल छपरा जिले में, छपरा जिले के कैदियों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मासिक पत्रिका युवक से जुड़े हुए थे? तो मासिक पत्रिका युवक से जुड़े हुए थे अंबिका कांत सिंह, आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मासिक पत्रिका युवक अंबिका कांत सिंह। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, बिहार में सचिवालय पे छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया था? तो ये फहराया गया था 11 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसने मुगल शासन के दौरान पटना को दूसरा सबसे बड़ा शहर बताया था? तो इसका सही जवाब है ट्रेवेनियर, ट्रेवेनियर ने इसे बताया था। और ट्रेवेनियर भारत में कब से कब तक रहे थे? तो ये रहे थे पटना में आए थे 1665 और 66, और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र था अकॉर्डिंग टू ट्रेवेनियर। क्वेश्चन नंबर 87, पटना में ताज पहनाया जाने वाला पहला मुगल सम्राट कौन सा था? तो पहला मुगल सम्राट जिन्हें पटना में ताज पहनाया गया था वो थे फर्रुखसियार। 88, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित है उसको हम टिक मार लेते हैं पहले, तो डच फैक्ट्री 1632 सही है, और ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 सही है, पोर्टुगीज फैक्ट्री 17वीं शताब्दी ये भी सही है, डेनिश फैक्ट्री ये था 1774 में। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, बटोहिया नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई? तो बटोहिया नामक कविता लिखी गई थी बाबू रघुवीर नारायण जी के द्वारा। नोनिया विद्रोह क्रांति के अधिकार के साथ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही है नोनिया विद्रोह, इस पे कौन कौन सा सही है मार्क कर देता हूँ, तो इसमें ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा ई, जिसमें ऑप्शन ए और सी सही है। नोनिया सोरा के उत्पादन में लगी एक जनजाति थी, इनका काम था सोरा उत्पादन, और ये आमतौर पर हाजीपुर, तिरहुत आदि में उत्पादित किया जाता था। आप ये बताइए कि जो तिरहुत वाला है और हाजीपुर, ये कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 91, सुबह ए सादिक के लेखक कौन थे? तो सुबह ए सादिक के लेखक, नाम में ही छिपा हुआ है, मोहम्मद सादिक, सुबह ए सादिक मोहम्मद सादिक। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही है उसको पहले टिक लगा लेते हैं, सी सही नहीं है। धर्मस्वामी 13वीं शताब्दी में आए थे, 1234 के आसपास। इत सिंह ये आए थे 673 में। अब्दुल लदीफ आए थे 16वीं शताब्दी में। और राफ फिच आए थे 1585-87 में, ना कि 1485-87। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
1585-87 में राफी चाय थे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगेन नहीं है, तो जो सही है और गलत है सब देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन बी ये गलत है, ए सही है, श्रीनगर, पूर्णिया, सुरपुरा, डुमराव, टेकरी, गया और गिद्धौर, ये जमुई, यहाँ पे जमुई होगा। क्वेश्चन नंबर 94 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत आर्द्र भूमि है। तो बिहार की कुल भूमि का 4.4% आर्द्र भूमि है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी बिहार के मैदान को लगभग समान रूप से विभाजित करती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे ये पूछा जा रहा है जो उत्तरी बिहार यानी कि गंगा का नॉर्थ, उसको दो पार्ट में कौन डिवाइड करता है। तो इसका सही जवाब होगा बागमती। अब गंगा मत मार दीजिएगा, गंगा बिहार को दो भाग में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी, लेकिन उत्तरी को दो भाग में बांटने का काम करती है, लगभग दो भाग में बांटने का काम करती है बागमती नदी। 96 पे आते हैं, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1891 में। 97, निम्नलिखित में से किस विद्रोह में मुठिया प्रताप को अंजाम दिया गया था। तो 97 का आंसर होगा असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 98, किसान सभा के संपादक कौन थे, सॉरी किसान अखबार के संपादक कौन थे। तो किसान अखबार के संपादक स्वामी विद्यानंद थे, ऑप्शन डी। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में किसके द्वारा की गई थी। तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना, इसमें एक चीज और याद रखनी है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कहाँ, दरभंगा में। किसने की थी, अशफाक खान ने। तो 99 का आंसर है ए। 100 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार की सबसे पुरानी मुगल इमारत है। तो बिहार की सबसे पुरानी मुगल इमारत है जामा मस्जिद, जो कि हाजीपुर में है। इसका निर्माण हुआ था 16वीं शताब्दी में अकबर के द्वारा 1587 में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1587 में अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जामा मस्जिद हाजीपुर में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक ऋण जमा अनुपात है, यानी कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कौन से जिले का सबसे हाई है। तो ये है पूर्णिया जिले का। क्वेश्चन नंबर 102, बिहार के संदर्भ में प्रतिशत के आधार पर किस प्रकार के बैंक के पास सर्वाधिक गैर निष्पादित परिसंपत्ति है। तो इन केस ऑफ बिहार विच टाइप ऑफ बैंक हैज हाईएस्ट एनपीए, गैर निष्पादित का मतलब हो जाता एनपीए। तो 102 इसका आंसर बहुत ही ऑब्वियस है, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इन्होंने लोन दिया और लोन वापस चुकाया नहीं। क्वेश्चन नंबर 103, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान मुख्यतः किसके लिए ये एक योजना है। तो ये है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के सुधार के लिए, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए है। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं, वित्त वर्ष 2019-20 में NBPDCL और नॉर्थ बिहार साउथ बिहार SPBDCL कितना लॉस हुआ था, हानि का प्रतिशत कितना है। तो ये इसका हानि का प्रतिशत है 35.9%। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं, बिहार में गंगा पर कितने पुल हैं जो या तो पूरी तरह से चालू हैं या तो निर्माणाधीन है, मतलब या तो चालू है या तो फिर अभी काम हो ही रहा है वहाँ पे, अंडर कंस्ट्रक्शन, दोनों को कंसिडर करना है। तो इसका सही जवाब है सी 18, गंगा पे 18 या फिर ऑपरेशनल या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन, इतने पुल हैं। 106 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, बिहार से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो बिहार से टोटल 58 राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे, टोटल 58 नेशनल हाईवे गुजरते हैं।
क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता है? तो दूसरे नंबर पर पूछ रहा है, तो कंस्ट्रक्शन वाला वर्क, निर्माण। क्वेश्चन नंबर 108, अवसर बढ़े आगे पढ़े किससे संबंधित है? तो अवसर बढ़े आगे पढ़े ये है संबंधित ये इसका आंसर हो जाएगा ई। यह कौशल विकास से संबंधित और संस्थापक व्यवस्था को मजबूत बनाना, इन दोनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 109, बिहार का कौन सा क्षेत्र मराठा आक्रमण और अब्दाली के हमलों की चपेट में था? तो इसका सही जवाब है उत्तरी पश्चिमी भाग। बिहार के अंतिम स्वतंत्र मुगल राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के अंतिम स्वतंत्र मुगल राज्यपाल थे फरखुर दौला। 111 पे आते हैं, शाह आलम द्वितीय ने कितनी राशि के बदले 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार सौंपा था? तो ये है 26 लाख रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मानव बलि परंपरा को प्रतिबंधित करने के अंग्रेजी प्रयास के खिलाफ विद्रोह किया था? तो 112 का आंसर है खोंड विद्रोह, ऑप्शन बी। पटना को प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था शेरशाह के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन बिहार में बहावी आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इनमें मजरूल हक संबंधित नहीं है। कौन कौन इसमें संबंधित थे? इनायत अली, अब्दुल्ला मोहम्मद हुसैन, विलायत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजस्व संग्रहण की सजावली प्रणाली का प्रयोग किसके शासन काल में किया गया था? सजावल प्रणाली को, तो इसे किया गया था चूड़ामन रॉय, ऑप्शन ए, चूड़ामन रॉय के शासन काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोल विद्रोह के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है पूछ रहा, तो जो सही है उसी को टिक लगाते हैं। कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर सिंहभूम क्षेत्र में फैला हुआ था। प्रारंभिक विद्रोह 1831-32 में हुआ और ये 1837 तक बामन घाटी समस्या उत्पन्न करने वाला स्थान बना रहा। तो ऑप्शन बी सही है, सी सही है, डी सही है, ऑप्शन ए गलत है, जो कि टेक्निकली आपको ऑप्शन एट लगा के आना होगा। 117 पे आते हैं, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किस क्षेत्र में किया गया था? तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह के द्वारा बाराभूम क्षेत्र में किया गया था, गंगा नारायण सिंह के द्वारा बाराभूम क्षेत्र में। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संथाल हुल से प्रभावित नहीं था? तो प्रभावित था कौन कौन, बांकुरा प्रभावित था, हजारीबाग प्रभावित था, संथाल परगना प्रभावित था। प्रभावित कौन नहीं था, सुता नीति। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा तेजी से बोल रहा हूँ तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को 0.75 स्पीड पे देख सकते हैं, तो इससे आपको भी सहूलियत होगी, और जिन्हें फास्ट देखना होगा वो 1.25 स्पीड पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, किस विद्रोह के दौरान बाहरी लोगों के साथ साथ सरकारी जमींदारों को उत्पीड़न के खिलाफ आयुक्त और कलेक्टरों को याचिका एवं पत्र भेजे गए थे? तो ये था संथाल विद्रोह के दौरान। क्वेश्चन नंबर 120, भागीरथ मांझी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित थे? तो भागीरथ मांझी खारवर विद्रोह से संबंधित थे। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे पहले सबसे बाद में क्या हुआ है, 121, क्वेश्चन नंबर 121। तो सबसे पहले हुआ है हो विद्रोह, जो कि हुआ है 1820-21 में। फिर हुआ है उसके बाद कोल विद्रोह, ये रहा, इसको वन लिखते हैं, ये रहा कोल विद्रोह 1831-32 में। फिर संथाल विद्रोह हुआ था 1856 में, और मुंडा विद्रोह हुआ था 1895-1900 के बीच में।
तो ये हो जाएगा आंसर बी 1432। क्वेश्चन नंबर 122, मुंडा विद्रोह के दौरान खुली हिंसा और उग्र संघर्ष कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 24 दिसंबर 1899 को। 123, क्वेश्चन नंबर 123, 123। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको डिसाइड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले रोहिणी में विद्रोह हुआ था 12 जून को। सबसे पहला रोहिणी में विद्रोह 12 जून को, दूसरा हुआ था पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह 3 जुलाई को, तो ये नंबर 2 पे आ जाएगा। थर्ड पे दानापुर में विद्रोह हुआ था 25 जुलाई को, तो ये थर्ड नंबर पे ये रहा। और कुंवर सिंह का नेतृत्व 26 जुलाई को, तो ये रहा 4। तो 1324 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में भाग नहीं लिया? तो कहाँ कहाँ भाग लिया था इन्होंने? इन्होंने भाग लिया था आजमगढ़ में, गाजीपुर में, कानपुर में, लेकिन कहाँ नहीं लिया था? तो वो रीवा में नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 125, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो हैदर अली करेक्टली मैच है, ये ऑप्शन सी करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं, बिहार में कुल बजट में सड़कों और पुलों का कितना हिस्सा है? जो बिहार के कुल बजट में सड़कों और पुलों का कितना हिस्सा है, तो ये है 3.8%। और जो कि अगर पूरे भारत देश का औसत निकालें, तो बाकी भारत देश पूरा औसतन 4.3% बजट का सड़क और पुल निर्माण में किया है, बिहार में ये सिर्फ 3.8% है। क्वेश्चन नंबर 127, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के मामले में बिहार को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 15वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 128, बिहार में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई का घनत्व कितना है? तो ये है 5.7 किलोमीटर, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में ओनली 5.7 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 129, बिहार का ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व कितना है? तो ये पूछा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्र में है ये 42 कनेक्शन पर 100 पर्सन। क्वेश्चन नंबर 130 पर आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा स्थान। ग्रामीण क्षेत्रों के कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में बिहार का स्थान दूसरा है, जो कि काफी अच्छा है। 131 पे आते हैं, निम्नलिखित जिलों के उनके राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और सही कोड को चुनें, नेशनल हाईवे नेटवर्क, तो कहाँ सबसे ज़्यादा है और फिर कहाँ सबसे कम है? तो इसका सही जवाब है डी 1324। सबसे ज़्यादा है पटना में, फिर है मधुबनी में, फिर है सारण में, और सबसे कम है जमुई में। 132 में आते हैं, नवीन नगर पावर प्लांट बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवीन नगर पावर प्लांट ये औरंगाबाद जिले में है। अगर आप औरंगाबाद जिले के हैं तो आपको ये आसानी से पता होगा पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं, बिहार में लघु पन बिजली परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो लघु पन बिजली परियोजना, स्मॉल हाइडल पावर प्रोजेक्ट बिहार में, ये है टोटल 54.3 मेगावाट। दमोदर नदी कहाँ से बहती है? क्वेश्चन नंबर 134, तो दमोदर नदी बहती है फॉल्ट रीजन से। ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे जो दोष है, फॉल्ट का हिंदी दोष, ये थोड़ा सा अलग गलत लिखा गया है। आप हिंदी इंग्लिश वाला देखिए, फॉल्ट रीजन से बहती है। क्वेश्चन नंबर 135, बिहार में तेल रिफाइनरी संयंत्र कहाँ है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ये बरौनी में है।
136 निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महाराजा कामेश्वर सिंह से संबंधित था? तो द इंडियन नेशन महाराजा कामेश्वर प्रसाद सिंह से संबंधित था। इसका प्रकाशन 1931 में शुरू किया गया, प्रकाशन को 1932 में कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया, फिर 1943 में फिर से इसे शुरू किया गया। 137 पे आते हैं, सन 1855 में किस ब्रिटिश कमांडर को संथालों ने पराजित किया था? तो मेजर बरो को सन 1855 में, जो कि मेजर ब्रो जो कि एक ब्रिटिश कमांडर थे, इन्हें संथालों ने पराजित कर दिया था। 138 पे आते हैं, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बैठक में भाग लिया था। हाँ, तो इसका सही जवाब है फणीन्द्रनाथ घोष। बिहार के फणीन्द्रनाथ घोष ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में जो सॉरी 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में बिहार के फणीन्द्रनाथ घोष ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं, बिहार के किस स्थान के क्रांतिकारियों को रोड़ा शस्त्र मामले में दोषी ठहराया गया था? तो ये है 139 का आंसर सी, दुमका। ताना भगत ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? ताना भगत ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। ये हुआ था 1922 में, सी आर दास इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं, प्रभावती देवी के पिता कौन थे? तो प्रभावती देवी के पिता थे ब्रजकिशोर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही है वो मैं बता देता हूँ, इसमें ये ऑप्शन डी, ये गलत सुमेलित है। तो श्रीमती सरस्वती देवी नमक विरोधी कानून हजारीबाग से संबंधित है, श्रीमती सैल बालारे नमक विरोधी कानून संथाल प्रगना से, श्रीमती सीसी दास स्वदेशी आंदोलन पटना। क्वेश्चन नंबर 143, स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में बेगूसराय में गोलीबारी हुई थी 1931 में, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उसके बाद। 144 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता किसान सभा से नहीं जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकेतरियान, यदुनंदन शर्मा, श्री कृष्ण सिंह, ये चारों के चारों किसान सभा से जुड़े हुए थे। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से जुड़े हुए नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, सारे के सारे जुड़े हुए हैं। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। जेपी नारायण को किस अपराध के लिए 9 महीने की सजा सुनाई गई थी? तो जमशेदपुर में इन्होंने भाषण दिया था, इसके लिए इन्हें सजा सुनाई गई थी। 146, लाल हेम्ब्रम का संबंध किस क्रांति विद्रोह से है? तो लाल हेम्ब्रम का संबंध है सफा होद आंदोलन से। 147, अहले हदीस के नाम से कौन जाने जाते थे? तो अहले हदीस के नाम से बहावी के अनुयायी, जो बहावी मूवमेंट के फॉलोअर्स ऑफ बहावी, उन्हें अहले हदीस नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से बिहार से किसने नागपुर में ध्वज सत्याग्रह में भाग लिया था? तो नागपुर में किन्होंने ध्वज सत्याग्रह में भाग लिया था? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, और ये 1923 में हुआ था, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। 1923 में नागपुर में ध्वज सत्याग्रह हुआ था, उसमें बिहार के राजेंद्र प्रसाद ने इसमें भाग लिया था। 149, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर। 150, लास्ट क्वेश्चन,
अच्छा, अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है जहाँ कि आपको आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए बीपीएससी से रिलेटेड, या फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँ तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा। आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 150 1929 का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये 1929 वाला हुआ था झरिया में, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1929 वाला झरिया में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको बिहार स्पेशल का एक और वीडियो है, पहले वो आप देखना चाहेंगे या फिर आपके दिमाग में कुछ और है जो कि आप पहले देखना चाहेंगे, करंट अफेयर्स वाला या फिर कुछ और भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।